बिल्कुल, इसमें हम मतलब हम सीखना चाहते हैं कि मतलब, और हम दावत इस्लामी के मतलब इनसे ही सीखना चाहते हैं कि मतलब नमाज कैसे पढ़ी जाए, मतलब कुरान की मतलब तिलावत मतलब क्या होता है, कैसे पढ़ा जाए उसको, और मतलब हम सब सीखना चाहते हैं। आप दावत इस्लामी ही से इतने मानूस क्यों हैं? यूं तो बेशुमार मुसलमान बम्बई में, बिलखुसूस आप मीरा रोड में रहते हैं, मीरा रोड में भी हैं, लेकिन आप इतने ज़्यादा दावत इस्लामी से क्यों इंस्पायर्ड हुए, क्यों इतने ज़्यादा मुतासिर हुए, इसका कोई सबब बयान फरमाएं। अब पापा जी में ऐसी बात है तो मतलब, और जो पापा जी में जो बात है वो और किसी में नहीं है। तो मदनी चैनल के नाजरीन से मैं गुजारिश करूंगा कि जहां जहां तक हो सके घर घर में मदनी चैनल को आम करें, मदनी चैनल को चलाएं, और बम्बई, न सिर्फ बम्बई, महाराष्ट्र बल्कि हिंदुस्तान भर के एक एक मुसलमान तक कोशिश करके ये मदनी चैनल चलाया जाए। बल्कि हमें जहांगीर भाई से तो ये तरगीब मिल रही है कि सिर्फ मुसलमानों ही को इसकी तरगीब ना दिलाई जाए, बल्कि गैर मुस्लिमों को भी इसकी दावत दी जाए, ताकि वो भी देख कर इस्लाम की हकीकी तस्वीर, इस्लाम को जो कुरान और हदीस में बयान किया गया है, व्हाट आर रियल मुस्लिम, रियल इस्लाम क्या है, और अमली तस्वीर अगर देखना चाहें तो मदनी चैनल से वो इंस्पायर होंगे और इस्लाम की हकीकी तस्वीर उनके सामने उजागर होगी। इनसे ही पूछते हैं और इनके जरिए मदनी चैनल के नाजरीन और जो अभी दामन इस्लाम से वाबस्ता नहीं हुए उनको ये क्या पैगाम देते हैं कि वो भी किस तरह मदनी चैनल देखें और इससे किस तरह बरकतें लूटें। आइए जहांगीर भाई से पूछते हैं। ऐसा है कि काफ़ी नॉन मुस्लिम जो है मुसलमानों के बारे में, इस्लामिक लोगों के बारे में, मतलब उनकी काफ़ी मतलब उनकी रॉन्ग मतलब परसेप्शन है। मतलब इस्लाम का जहाँ नाम आता है, मुसलमानों का नाम जहाँ आता है, मतलब वहाँ सबसे पहले वो लोग सोचते हैं कि यार ये तो सब टेररिस्ट लोग हैं। यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ भाईचारा है, यहाँ प्यार है, यहाँ मोहब्बत, यहाँ सब कुछ है। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए दावत इस्लामी को, एक बार, सिर्फ एक बार। हमारी रिक्वेस्ट है हमारे चाहने वालों से, का सब व्यूवर्स से जो दावत इस्लामी चैनल देखते हैं और नहीं देखते, अपने फ्रेंड्स को बोलिए, अपने फैमिली को बोलिए, सबको कहिए एक बार सिर्फ दावत इस्लामी चैनल देखे, मदनी चैनल देखे। हम इनसे पूछते हैं और इनके जरिए उन नॉन मुस्लिम्स तक का इनका क्या पैगाम है कि वो इस्लाम की तरफ किस तरह आए। सबसे पहला तो जो आप लोग के जो जहन में जो बैठ गई है बात के, मतलब सब मुसलमान जो मतलब दाढ़ी बनाते हैं और जो टोपी पहनते हैं, मतलब वो सब आतंकवादी ही होंगे, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुसलमान लोग आतंकवादी नहीं है।